1.3 में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स ऑफ फॉर्म, ठीक है, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम लोगों को डेसिमल फॉर्म्स में फाइंड आउट करना है। अब आपको याद होगा हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म कुछ पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है, इस तरह से हम लोगों ने चीजें देखी थी कि टर्मिनेटिंग किस कंडीशन में होता है, जब हम लोग जो हमारा डिविजन है या जो हमारा डिवाइड है उसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट में जब हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है वो क्या मिलता है, जीरो मिलता है, उस कंडीशन में टर्मिनेटिंग फॉर्म होता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में कंटिन्यूसली वो चलता रहता है, उसमें कोई वैल्यू नहीं आती है, लेकिन सारी वैल्यूज जो आ रही है, जो आपके आंसर आ रहे हैं वो क्या आते हैं, कुछ भी वैल्यू आती है, मतलब उसका आपको कोई सिक्वेंस नहीं रहता है। जस्ट लाइक मुझे एक वैल्यू मिली है 2.1257, यहाँ पर आप देखिए कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है तो ये कौन सी कंडीशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन होगी। अब मैं आपको बता रही हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग वो प्रोडक्ट होता है जिसमें हमारी वैल्यू सिमिलरली वही मिल रही है। नॉन टर्मिनेटिंग मैंने क्या बोला, वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी, यहाँ पर मुझे जीरो दिया है, यहाँ पर 9 दिया है, अब अगेन मुझे 0 और 9 मिलेगा, फिर मुझे 0 और 9 मिलेगा, तो ये क्या कंडीशन हो रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ नहीं, यहाँ तक तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, फिर उसके बाद रिपीटिंग भी हो गया, क्यों, क्योंकि 0909 मुझे से रिपीट हो रहा है, तो जब भी मेरी रिपीटिंग कंडीशन होती है तो जो भी डिजिट मेरी रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम लोगों को एक लाइन खींचनी होती है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, जो भी मेरी सिमिलर वैल्यू चलती रही कंटिन्यूसली, सपोज करिए यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू चलती है 1 2 1 2 1 2, ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि रिपीट क्या हो रहा है आपका, 1 और 2 बार बार आपका रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 1 और 2 लिखा और उसके ऊपर मैंने एक डंडी लगाई, उस डंडी को हम लोगों ने, उस लाइन को हम लोगों ने क्या बोला है, बार बोल रहा है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से क्या कर लीजिए, जो ये रिपीटिंग कंडीशन होती है, जैसे यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस डिजिट पर बार दिख रहा है, ये बार जो है क्या कहलाएगा कि आपकी उतनी उतनी डिजिट जो है वो रिपीट हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 डिजिट पर बार बना हुआ है, दैट मीन्स कि आपकी 6 डिजिट जो है वो रिपीट हुई है। अब हम लोग अगेन हमारे क्वेश्चन में आते हैं, आपको समझ आ चुका है कि क्या होते हैं डेसिमल फॉर्म, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद आपको होमवर्क भी दूंगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 36/100, हमेशा डिविजन में याद रखिएगा, जो भी हमारी बेस वैल्यू होती है, जो हमारी सबसे 2 सेक्शन में जो हमारी बेस वैल्यू होती है, नीचे की जो वैल्यू होती है वो हम लोग बाहर लिखते हैं जब डिवाइड करते हैं, चाहे वो वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो, इट्स डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, मुझे 100 दिया, ये मत बोलना कि मैम 36 से तो वो छोटा नंबर बाहर ले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, जब भी डिविजन होता है, डिविजन का रूल होता है कि जब मुझे लास्ट में जो वैल्यू दे रखी है मुझे बड़ी लिखनी होगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, मैंने क्या किया 36। अब आप देखिए क्या 100 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, और जब मैंने पॉइंट लगाया है तो मुझे नीचे की वैल्यू में क्या लगाना होगा, 1 0 लगाना होगा। अब देखिए क्या मिल सकता है, क्या किया मैंने यहाँ पर, कितना बन जाएंगे 360 बन चुका है। अब मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए कि वो मेरी 100 की टेबल में आ जाए, तो अगर मैं 100 की टेबल इतनी बार बोलूँ कि मुझे 360 या 360 से कम मिल जाए तो क्या पॉसिबल है, अगर मैं 100 की टेबल इतनी बार बोलूँ तो 300 आएगा, अब उस 300 को मैं माइनस कर देती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा 60। अब
नेक्स्ट हम लोग अगले लेक्चर में बताएंगे, इसको बहुत अच्छे से कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।